एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईएस 10th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका सिलेबस क्या है, न्यू सिलेबस जिसमें आपका 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है और आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सब ज्यादा पूछे जाएंगे एंड सब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं एनआईएस में किस कौन कौन से टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले होते हैं आपके ऑन डिमांड के, ऑन डिमांड के मतलब जिनका रेफरेंस नंबर या तो डी से स्टार्ट है या तो सी से स्टार्ट है, ठीक है। जो 10th वाले उनका रेफरेंस नंबर सी से स्टार्ट होता है, तो ये आपके क्या है, हमारे ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट है। और इन स्टूडेंट के जो दूसरे तरीके से अगर हम समझे तो इनके एग्जाम आपके जैन से मार्च में कराए जाते हैं या फिर इनके एग्जाम आपके जून से सितंबर में कराए जाते हैं, ठीक है। जून से सितंबर के बीच में आपके एग्जाम कराए जाते हैं, ये ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट होते हैं। तो आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है, आपको असाइनमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता टीएमए का। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको ये 13 चैप्टर पढ़ने होंगे, मतलब ये वाले आपको 40% सिलेबस आपके लिए रिड्यूस नहीं हुआ है, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये भी पढ़ने हैं और आपको ये भी पढ़ने हैं। स्टूडेंट की बात करें वो होते हैं हमारे पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट, मतलब जिनका रेफरेंस नंबर या तो ए से स्टार्ट है या तो एन से स्टार्ट है, ठीक है। मतलब जिनके एग्जाम या तो अप्रैल से मई में कराए जाते हैं या फिर जिनके एग्जाम कराए जाते हैं आपके अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ये हमारे पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट होते हैं और इनको टीएमए का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो आपको अगर टीएमए का बेनिफिट मिला है, इट मीन्स आपसे टीएमए के ये वाले चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे टीएमए के, जिनके आंसर आप या तो इन चैप्टर से फाइंड आउट कर लो या स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये वाले 13 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। आपका ये बेनिफिट, एक तो आपको फ्री में 17 मार्क्स मिल रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पर क्या है कि आपके टीएमए के चैप्टर्स 13 चैप्टर्स आपके रिड्यूस हो जा रहे हैं, ये आपको नहीं पढ़ने। आपको कितना पढ़ना है, आपको सिर्फ ये वाले 19 चैप्टर्स पढ़ने, ठीक है। तो आप दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके चैप्टर हैं। अगर इनका पीडीएफ चाहिए आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप कोर्सर क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप हमारे ऑनलाइन कोर्स, मतलब हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में आप इजिली अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, जहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। इससे बड़े अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।